आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ एक्शन में हैं और उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने कहा कि मुझे बेचैनी और चिंता भी है कि हम किस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों की आशाओं पर खरा उतरेंगे। किसानों के कर्ज माफ करने के साथ ही कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने बड़ी आशा के साथ परिवर्तन किया है। सरकार को जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना है। प्रदेश के युवाओं को भी सरकार से उम्मीदें हैं। सरकार को रोजगार देने की दिशा में कार्य करना है। प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन हर हाल में होना चाहिए। मुझे बेचैनी और चिंता है कि हम किस तरह से मध्य प्रदेश के लोगों की आशाओं पर खरा उतरेंगे। इस गार्मेंट पार्क में केवल रोजगार ही नहीं अब जो संबंधित रोजगार होगा, कोई उस काम से संबंधित काम कर लेगा, कोई ट्रक चला लेगा, कोई पैकिंग का काम कर लेगा, दूसरा काम कर लेगा। हमें याद रखना है कि जब भी उद्योग खोलते हैं कोई भी नया उद्योग होता है उसमें जिसको रोजगार मिल गया वो तो अच्छी लगेगा, पर उसके साथ जो संबंधित रोजगार होता है व्यवसाय के मौके बनते हैं कि कोई कोई होटल चला लेता है, ये संबंधित कोई अपनी गाड़ी किराए पर दे देता है, कोई पैकिंग का काम कर लेता है, ये संबंधित विकास ही हमारी आर्थिक गतिविधि बनती है। और आज मध्य प्रदेश को आवश्यकता है कि हम आर्थिक गतिविधि इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको कहते हैं, ये जीडीपी अपनी तरफ है, जीडीपी का ट्रांसलेशन क्या है इसमें मैं नहीं जाना चाहता, बल्कि आर्थिक गतिविधि बनी, लोगों को व्यवसाय का, रोजगार का, खुद काम करने का, खुद काम खोलने का मौका मिले, ये मैंने निर्णय किए। तो ये एक नए नजरिए से हमें देखने की आवश्यकता है। बहुत बड़ी चुनौतियां है, मुझे पहले दिन खुशी एक तरफ है पर बहुत बेचैनी और चिंता है कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने बहुत विश्वास से ये परिवर्तन किया है। कमलनाथ ने कहा कि मैंने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी के अपने वादे को पूरा किया। कमलनाथ ने इसके अलावा कन्यादान मिशन को पूरा करने के साथ ही ऐलान किया कि राज्य में 4 गवर्नमेंट पार्क भी खोले जाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि इससे विकास की गति तेज होगी। युवाओं और नौजवानों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि नौजवानों में जो काबिलियत है उसे पहचानना होगा। सरकारी नौकरी के साथ साथ अन्य रोजगार पर भी ध्यान दिया जाना है। कमलनाथ ने कन्या विवाह योजना की सहयोग राशि को 28,000 से बढ़ाकर 51,000 कर दिया है। नाथ ने कहा कि हम 4 गारमेंट पार्क भी बनाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।